अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग सेकंड स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जो व्लॉग था वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गया था फैसल मस्जिद का, इस वजह से उसको कट आउट कर दिया, वो व्लॉग ख़त्म हो गया। आप लोग जाके देख लेना। और ये न्यू व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, अभी हम लोग आए हुए किसी म्यूजियम में। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। इस म्यूज़ियम में हम लोग आए हैं और ये देखें, ये बाबा जी फुल वो शीशा पी रहे कि अभी इनको जवानी चढ़ी है शीशा पीने का, तो इनका टैटू बना हुआ। अब हम लोग जा रहे हैं म्यूज़ियम के अंदर और मगरिब का टाइम हो रहा है। मगरिब का टाइम इस्लामाबाद में ना 5 बजे अंधेरा हो जाता है, क्योंकि इधर 5 बजे मगरिब हो जाती है और हमारे कराची में तो 6 बजे होती है और रोशनी भी रहता है 6:30 बजे तक, लेकिन 7:30 यहाँ 5:30 बजे टोटली अंधेरा हो जाता है। अभी हम लोग जा रहे हैं म्यूज़ियम के अंदर, वहाँ चेकिंग वगैरह हो रहा है तो कैमरा ऑफ करना पड़ेगा। ये म्यूज़ियम है, अभी इसके अंदर इंटर होंगे, देखते क्या है किस चीज़ का म्यूज़ियम है। अपने तो कराची में PF म्यूज़ियम है और इधर किस क्या है इधर म्यूज़ियम में, और इधर पार्क वगैरह बैठने के लिए कि फैमिली बैठ सके। अभी चलते हैं हम लोग सीधा अंदर। आ चुके हैं म्यूज़ियम के अंदर और ये पूरा सिंधियों का लगा हुआ है। ये ना काफ़ी ज़्यादा सिंधी टोपी वगैरह रखा हुआ है, ये देखें वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और भी अंदर म्यूज़ियम है, ये मेरे ख्याल से ना सारे इस्लामाबाद में जो हुआ है ना, ये उस चीज़ के म्यूज़ियम के बारे में बताता है। और ये म्यूज़ियम भी उसी चीज़ के अंदर ना काऊ वगैरह सब रखे हुए हैं। और ये मार्केट है, ये देखिए ये कैसा बना हुआ है, बिल्कुल रियल लग रहा है कि ये एक रियल आदमी बैठा हुआ है। मैं अचानक से देखा, मैं कह रही थी मैंने पता नहीं ये कौन है। ये ना मोहनजोदाड़ो है, ये जो बैठा हुआ है ये मोहनजोदाड़ो, ये सारे उसकी सामानें रखी हुई हैं। और ये वो गर्ल है जो डांसिंग करती थी, उधर लिखा हुआ है डांसिंग गर्ल। और ये है काओ, इसमें क्या लिखा हुआ है, मोहनजोदाड़ो। और अच्छा ये गर्ल थी ना, ये मोहनजोदाड़ो की थी। और ये पड़ा हुआ है इधर ना, सारे सामान ही मोहनजोदाड़ो के पड़े हुए। और ये जो गर्ल थी ना वो डांसिंग करने वाली, उसकी चूड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई है। अभी आगे चलते हैं, आगे और भी सामान पड़े हुए, ये सारे मोहनजोदाड़ो के सामान पड़े हैं। ये देखें, ये इसका बोर्ड लगा हुआ है इधर, इसमें बताया गया कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस चीज़ के बारे में। ये देखिए ये पूरे उसकी सामानें रखी हुई है। ये अच्छा, ये माता बुद्धे जिसकी वो पूजा वगैरह करते थे आई थिंक, ये वो रखा हुआ है। और ये इधर और भी सामानें रखी हुई हैं सारी, ये सारी उनके इस्तेमाल की थी आई थिंक, ये वो रखा हुआ है। अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ है, काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम बनाया हुआ इधर। ये और भी रखे हुए इनका सामान, ये कौन है, पत्थर नस्कारी करने वाला कारीगर है। अच्छा, ये पत्थर में ना वो बनाता था चीज़ें बनाता। अच्छा, निकाल दी। और भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये रेस्ट एरिया है और इधर पड़े हुए सारे सामान। काफी अच्छा म्यूजियम बना रहा है, मैं तो समझा था ऐसी होगा म्यूजियम आया होगा, लेकिन यहाँ तो काफी अच्छा म्यूजियम बना हुआ है। सारे हैं भाई इधर, बहुत अच्छा म्यूजियम बनाया हुआ है। चलते हैं अंदर, चलते हैं अभी, आ जाओ। ये देखें ये इनका घर वगैरह,
अच्छा अभी बाहर जा रहे हो वापसी में आएंगे इधर अंदर बाहर से तो ये देखते हैं हम लोग। ओहो चाचा का इतना बड़ा बंदूक गन रखा हुआ भाई इतना बड़ा। ये बलूचिस्तान के सारा ये इधर ये चल रहा है ये इनका ये लगा हुआ ये सारे इन्हीं के ना अंदर और देखते हैं क्या क्या काफी अच्छा म्यूजियम बना हुआ सांप वाले हैं सांप वाले। ओहो ओहो ये गेट नॉक कर रही है गेट खोलो मुझे भी अंदर जाना है यार। इस्लामाबाद में म्यूजियम तो काफी अच्छा बना हुआ है मैं समझा था ऐसे ही होगा म्यूजियम लेकिन ये तो सारी चीजें रखी हुई है ये आई थिंक वो पड़ा हुआ है जो ये लोग बनाया करते थे उनके बारे में भी बताया गया है। इधर ये जरा आई थिंक ओरिजिनल है ये ओरिजिनल है इसकी ओरिजिनल है ये मैं समझा ओरिजिनल। ओहो हीर और ये रांझा हीर रांझा के बारे में कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि साथ फैमिली है और पापा भी हीर रांझा बैठे हुए दोनों क्या लग नहीं बोल सकता कुछ समझा गया आपको ये बैठे हैं चाचा साहब। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर कश्मीर और कराकोरम। ओहो बस फुल बस बनाया हुआ ये और माशाल्लाह ये एक आर्टिस्ट मुझे ऐसा लग रहा है ये सारे रियल में बैठे हैं और रियल में ये सामान बना रहे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और इनको जो बनाने वाला है ना कोई लेवल का आर्टिस्ट है यार। सैल्यूट करता हूँ उसको कि इतना अच्छा अच्छा डिजाइन बनाया है हर एक एक चीज। मैं तो ब्लॉग में सिर्फ दिखा ही सकता हूँ पूरा हिस्ट्री में अकेले में पढ़ लूँ कि क्या क्या इनकी हिस्ट्री थी क्या नहीं थी। ओहो क्या टेबल बनवा अना भी आराम से ये तीनों बैठे हैं ये तीनों पता नहीं क्या करते हैं
फिर इसकी मैं लिखा भी मैं ब्लॉग के बाद उसको देखूंगा कि क्या है क्या है कि मैं हाथ की लकड़ी वगैरह चेक करता और शीट वगैरह बनाता ये वो चीज़ें अभी इस म्यूजियम के अंदर है। ये चाचा जी क्या करते हैं? इनका नहीं पता ये क्या करते हैं। इनका तो पता ये फूल भगवान टन 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 बजाओ जल्दी से बजाओ एक यार आविया ना काफी डर रही है समझ में नहीं ये दिया ये बनाओ इसमें कुछ कुछ चीजें बताते हैं कि ये चीजें होती थी पूरा कवर अप करना है ना तो वो अगर कवर अप नहीं किया तो अगर एक एक चीज़ आप लोगों को दिखाया रिपीट करके बताया तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी इस वजह से मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग ये चीज़ देख लें कि इस्लामाबाद में क्या क्या म्यूजियम में होता है। ये डफ रखे हुए लवल का जगह बना हुआ यार बादशाह और ये मलिका दोनों दोनों इधर ये इनका महल था बना लेंगे महल ज़्यादा महंगा नहीं बनेगा ये क्या है मैं तो समझा काफी छोटा भी है लेकिन ये तो काफी अंदर जाए जा रहा है और आते जा रहे हैं सर बचा कर गुजरे इतने लंबे हैं जो सर अच्छे हैं बस इनकी शादी करो चोलिस्तान में जैसी शादी होती है वो दिखाया ये बनाने वाले ने बड़ा कमाल का बनाया यार हैरत हो रहा मुझे ये ऊंट ओहो ओहो किसी को खाना है तो ब्लॉग से निकाल के खा ले किसी को तो पसंद होगा ना ये है कश्तो ऊंट और इसमें मेरे ख्याल से दुल्हन जा रही थी कहीं बेचारी डूब गई डूबा है ना हाँ ये डूब गया ना दिया आजम अच्छा बनाया हुआ है ये इधर लिखा हुआ है काइट लिविंग रूम और
और ये बेनजीर का बनाया हुआ। बेनजीर को भी इधर बना दिया, अच्छा किया, काफी अच्छा बना है। आओ ना भी हम लोग शॉप चलें, अंदर शॉप चलते, शॉप में भी यही सब चीजें मिलेंगी। ये है शॉप, ये चाचा जी शॉल बनाते थे। तो अगर किसी ये खड्डी है, ओ भाई इधर लेवल का फिर म्यूजियम के बाहर चल रहा है, लेवल यही लगा रहे थे, बस लेट हो गया आने में मुझे, मुझे थोड़ा जल्दी आना था, मैं पीएफ म्यूजियम से जल्दी जल्दी निकला हूँ ताकि वीडियो बना सकती, लेकिन इन लोगों ने खत्म कर दिया, फिर नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। माशाल्लाह कितना क्यूट बच्चा है यार, ये पकड़िए वैसे ही रखना। जल्दी जाओ जल्दी जाओ, जाओ नहीं जाओ नहीं, छोड़ दे छोड़ दे। ये बच्चा भी स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया। ओह ओह जोश जोश ओह जोश चेक करो यार, जोश चेक करो। खत्म हो गया, खत्म हो गया, टाटा बाय बाय। बहुत जबरदस्त किया यार भाई, काफी लेवल के खेले हैं, अभी स्टार्ट हुआ लेकिन वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा।
चलो कोई इशू नहीं, थोड़ा लॉन्ग ब्लॉग बन जाएगा, कोई मसला नहीं, लेकिन अभी जो ये लोग सॉन्ग कर रहे हैं काफी अच्छा है, सुन लेते हैं ये भी इनका। म्यूजियम से बाहर आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। अभी जो लास्ट में लोगों ने सॉन्ग वगैरह किया, काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। तो इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लॉन्ग जा रहा है, तो है, मुझे देखना भी होगा। ये पूरा ना बाजार है ना म्यूजियम के बाहर, म्यूजियम का नाम है हेरिटेज म्यूजियम। क्या नाम है? हेरिटेज म्यूजियम। अच्छा, हेरिटेज म्यूजियम है इस्लामाबाद में। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें। और फैसल मस्जिद की व्लॉग अपलोड हो चुकी है, वो भी जाके देख लें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, जाते जाते भी कोई ना कोई स्टार्ट हो ही जा रहा है यार। लेवल का बाजार है यार, बस दुआओं में याद रखे अपना बहुत। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं व्लॉग बनाते रहूं, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, बट व्लॉग लॉन्ग हो जाएगा और कोई देखेगा नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखे, दुआओं में याद रखे। अनाबी अल्लाह हाफिज़, जल्दी से बोल दिए अल्लाह हाफिज़।